पाकिस्तान को चौथे वनडे में भी शिकस्त। मोहम्मद हफीज, फखर जमान, सरफराज अहमद, हारिस सुहेल की फिफ्टियां काम ना आई। शादाब, रुमान रईस और हारिस सुहेल की बॉलिंग की भी बल्लेबाजों ने 263 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से बढ़तरी। शरीफ की फिर मुखालिफीन पर तनकीद। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के मकासद देखें तो कई सवालात के जवाब मिल जाएंगे। हुकूमत की मुद्दत कम रह गई है, कैनेडा से आए मौलवी साहब इंतजार कर लें। मजीद बोले, बलोचिस्तान में घिनौना मजाक किया गया, ऐसे शख्स को वजीर आला बनाया गया जिसकी जमानत जब्त होने जा रही थी। रशीद और चौधरी निसार आमने सामने। परवेज रशीद कहते हैं चौधरी निसार ने शेर के निशान के बगैर एक ही इलेक्शन लड़ा और हार गए। साबिक वजीर दाखला के तर्जुमान ने कहा, परवेज रशीद गलत बयानी खुशामद के आदि है, इसी वजह से सियासी अरस्तू बने। साबिक लीगी एमएनए नासिर बेग पीपल्स पार्टी में शामिल। यूसुफ रजा गैलानी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान, नासिर बेग को लोधरा में जहांगीर तरीन के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार बनाने का फैसला। इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने का फैसला कल अदम करार दिया जाए। हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। कसूर की जैनब का कातिल कौन, पुलिस गुत्थी सुलझाने में नाकाम। मुलजिम की एक और वीडियो सामने आ गई, वीडियो में मुलजिम मासूम बच्ची जैनब को ले जाते हुए देखा जा सकता है। शकरगढ़ में मेहमान की 8 साल लड़के से ज्यादती, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे, मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा में शहबाज शरीफ मदर केयर एंड चिल्ड्रन अस्पताल में वेंटिलेटर ना होने से 3 साल बच्ची जैनब जान बहक, वालिदा के बैन। और कराची में प्रोफेसर हसन जफर की हलाकत की तहकीकात, जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में दिल का साइज मामूली बड़ा होने की निशान है।